हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज जरूर से अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं लाइफ अपडेट के बारे में आ, बहुत ज़्यादा रेगुलरली मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा रीज़न है जो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली कोई भी खास रीज़न नहीं है um, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ मेरा मन करता है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव कुछ आपको सिखाने वाला करूँ ऐसे रैंडमली मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ सो so, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं फील कर रही थी एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है पर मोटिवेशन की थोड़ी कमी है कमी थी वापस लेके आई हूँ मैं सो so, इसलिए मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही थी पर बैंग के साथ वापस आने वाले हैं हम चिंता मत करें सो so, वापस आने से पहले मुझे लगा कि हमें आपस में थोड़ी गलबात करनी चाहिए क्योंकि बहुत समय हो गया कि हमने गलबात नहीं की है और मुझे पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में कुछ खास नया एक्साइटिंग नहीं है सेम ओल्ड सेम ओल्ड है बट फिर भी मैं अपडेट देना चाहूँगी मेरे बारे में हिम्मत के बारे में हस्बैंड के बारे में एंड आल्सो मेरी हेल्थ के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं एवरीडे uh, मेरी जो रूमोटाइड वाली वीडियो है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एवरीडे uh, बहुत सारे लोग उस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाते हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं नॉर्मल जिंदगी कैसे जी रही हूँ एंड ऑल्सो कल परसों तो मैंने कमेंट देखा कि एक आई थिंक लड़के ने कमेंट किया था कि तुम आ, मैंने ये मैं uh, कल ही मैं भी मुझे भी डायग्नोज हुआ है रोमोटराइटिस एंड uh, फिर मैं तुम्हारे चैनल पे गया और मैंने तुम्हारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देखी और मैं तो हैरान रह गया कि तुम अभी भी जिंदा हो माय गॉड होनी मेहमान होने के बाद मैं जिंदा कैसे हूँ so that. so yes, दोस्तों जिंदा हूँ मैं एक्चुअली मैंने ना इंस्टाग्राम पे आपसे भी पूछा था कि अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते जा हैं तो क्वेश्चन छोड़ दें फिर उसके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि इतना कुछ एक्साइटिंग मेरी जिंदगी में चल नहीं रहा है बस वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्रिएटिव एंड मोटिवेशनल नहीं फील कर रही थी मैं से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत ज्यादा पीसफुल एंड एंड बहुत ज्यादा कॉन्शियसली अपनी जिंदगी को इन्जॉय कर रही हूँ सो दैट्स दैट अभी उन को भी रीड कर लेते हैं ताकि उसको भी इंक्लूड कर ले बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं मैंने ना एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एंड टिकटॉक पे कुछ वीडियो शेयर की है एस्ट्रोलॉजी के बारे में पास्ट में भी की होंगी एंड ऑल्सो आपको मेरे ब्लॉग्स में मैंने बहुत बार बताया कि मुझे सर्टन टाइम में एक चीज से प्यार हो जाता है या यू नो इंटरेस्ट आ जाता है मुझे तो फिर मुझे उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है सो हुआ यू एस्ट्रोलॉजी में मुझे कब इंटरेस्ट हुआ uh, मैं ना uh, बहुत ज्यादा स्टबन किस्म का विचार है मेरे मेरे विचारों को चेंज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है बहुत मुश्किल है सो एस्ट्रोलॉजी वन ऑफ टॉपिक है जिसमें मैं लग, मुझे लगता है कि आप जब एस्ट्रोलॉजी में घुस जाते हैं तो फिर आप अंधविश्वासी भी हो जाते हैं एंड आप कर्मा पे यकीन करना छोड़ देते हैं आपको लगता है कि अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी ऐसे है तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं इसके चलते मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती थी और एक्चुअली मैं करना चाहती भी नहीं थी अभी भी मेरा वैसे विचार कुछ उसी किस्म के हैं कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहें कर सकते हैं पर एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम की तरह काम कर सकती है कि आपको पता चल सकता है कि आप कौन से रास्ते पे चले कौन से नहीं एस्ट्रोलॉजी एक किस्म का ब्लू है आप जब पैदा होते हैं किस समय पैदा हुए नक्षत्र कैसे थे ग्रह ग्रहों की दिशा कैसी थी वो आपकी अः कर्मों के हिसाब से आपका जन्म होता है जो भी आप पास्ट में कर्मा करके आए हैं उसी हिसाब से आपका जन्म होगा एंड वो सारी चीजें आपके साथ लिंगर करती हैं सो एस्ट्रोलॉजी में कई चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं की जा सकती जैसे आप कहाँ पे पैदा होंगे कैसी सिचुएशन होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं पर उसके चलते बिकोज हमने ये जन्म लिया है हम सिर्फ अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जीने के लिए नहीं आए हैं हम नया कर्मा करने के लिए आए हैं। तो so, नया कर्मा है आपकी फ्री विल। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं कोई भी विचार बना सकते हैं आप बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंड के साथ पैदा हो सकते हैं एंड अपने आप को पूरा सात्विक एंड स्पिरिचुअल बना सकते हैं इट्स ऑल ऑन यू ऐसे फ्रीविल काम करती है यस yes, एस्ट्रोलॉजी आपका पास्ट कर्मा हो सकता है एंड आपकी सिचुएशन उसके हिसाब से हो सकती है पर आपके हाथ में है आप चीज़ें कैसे चेंज करें ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सो so, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की पर अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है पर एक चीज़ है कि जब भी मेरे घर में कोई आता है या मैं किसी से फोन में बात करती हूँ तो फिर मुझे जानना होता है कि उसका जन्म क्या है फिर मैं उसकी कुंडली तैयार करती हूँ एंड फिर मैं उसको बताती हूँ कि ये ये चीज़ें हैं तुम्हारे साथ तो वो कहते हैं हाँ 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 तो फिर मजा आता है कि ओ यार थोड़ी सी नॉलेज uh, में वादा हुआ है महाराजा क्योंकि uh, कुंडली में घरों में एक्चुअली हम या लाइफ अपडेट बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे कहाँ पे आ गए पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हो कि कुंडली में बारह घर हैं हर घर किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और किस घर में कौन सा प्लानेट है तो वो उस घर को इफेक्ट करता है एंड कौन सा ग्रह उस घर को देख रहा है दृष्टि डाल रहा है उससे भी इफेक्ट पड़ता है सो so इससे मुझे पता चलता है कि ये ग्रह आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे करेगा एंड बीकेज वो ग्रह उसको देख रहा है तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की होगी तो फिर वो हैरान होते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है आजकल का कुछ सेलिब्रिटी भी मेरे कस्टमर्स बन गए हैं वेरी पॉपुलर सेलिब्रिटीज सो आई रिवील द नेम कस्टमर्स आए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई और इम्प्रेस हो गए फिर मजा आया मुझे कल कहाँ से शुरू हुई थी कि इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा है कि कौन सी किताबें मैं रेकमेंड करूँगी एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारी अच्छी किताबें हैं मेरे पास उनका किसी का भी एक्सेस नहीं है पर मैंने मेरी मम्मी को कहा है कि मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट दूंगी तेरह चौदह किताबें हैं अगर आप यू नो बिगिनर्स के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको छोड़ दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन सी किताबें आप पढ़ें जो कि बेसिक हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी बट आप किसी यू नो you know, एक्सपर्ट से भी सीख सकते हैं और मैंने सुना है कि जो लाल किताब है लाल किताब के तीन वर्जनस हैं और उनसे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं एंड बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई है एंड उसका जो आ, रियल वर्जन है वही पढ़ें पी डी एफ़्स ना पढ़ें क्योंकि जब आप कोई गल यू नो पी डी एफ़्स पढ़ते हैं या नकली वर्जन पढ़ते हैं तो आपका केतु खराब हो जाता है क्योंकि किसी ने कितनी मेहनत करके कि असली किताब बनाई होती है तो उसी के पैसे दे के किताब खरीदे और या लाल किताब को पढ़ने से पहले आपको बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि फिर अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी तो लाल किताब से आपको और नॉलेज मिलेगी क्योंकि वहा वो एंड अगला स्टेप है यस yes, लाल किताब एंड वैदिक का थोड़ा सा डिफरेंसेस है क्योंकि कुछ ग्रह उसमें अच्छे नहीं माने जाते वैदिक में और लाल किताब में उसको अच्छा माना जाता है यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा और लाल किताब को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा तो आप लाल किताब का 1942 वाला वर्जन पढ़ सकते हैं एंड uh, जब मैं ज्यादा किताबें पढ़ूंगी तो फिर मैं आपको भी बताऊंगी कि आप कौन कौन सी पढ़ें सो या सो फार दिस इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी बहुत ज्यादा लंबा समय मेरे दिन का मैं एस्ट्रोलॉजी को जानने में स्पेंड करती हूँ अभी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मुझे नंबर्स एंड ऑल्सो वास्तु एंड ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और फिर मुझे बहुत मजा आता है सारी चीजों को जानने में पर ये मैंने माइंड सेट करके रखा है कि कभी भी मैं मेरे को ना इन चीजों को हावी नहीं होने देती हूँ क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल है किसी भी प्रकार की साधना करते हैं या बहुत अच्छे कर्मा करते हैं तो आप अपनी सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं ऐसा मेरा माइंड सेट है अगर आपका ऐसा है तो जरूर से इसमें इन्वेस्टिगेट करे और ज्यादा डीप डाइव करें पर अगर आपको लगता है कि आपका दिल छोटा है और आप डर जाएंगे तो फिर मत सो दैट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ओके okay, किसी ने मुझे कहा है कि तुमने वेट लूज कैसे किया और किसी ने मुझे कहा है कि तुमने वेट गेन कैसे किया तो so, मैं बताना चाहती हूँ ना मैंने वेट लूज किया है ना ही गेन थोड़ा किया है एक दो किलो आ, बट मेरा जो वेट है ना बहुत सारे सालों से 65 एंड 68 के आगे पीछे घूमता रहता है या पिछले कुछ समय में मैंने 64 कर लिया था चार के जी इसका हो गया था पर अब फिर से 68 हो गया है तो ना कोई मैंने ना कुछ गेन किया ना कम किया कम करना चाहती हूँ मैं पर नहीं हो रहा है कि करिए यार ओके okay, किसी ने कहा है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड uh, अपने मैंने बताया ना मैं बहुत ज्यादा पीस कॉन्शियसली बहुत मजे में रह रही हूँ और हर एक चीज़ को इन्जॉय करने की कोशिश में मैं और कर भी रही हूँ जो भी चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर uh, कुछ भी उस पर मैं यू you नो know, काफी ज्यादा समय स्पेंड करती हूँ एंड के बुक रिकमेंडेशन पूछिए किसी और ने भी अभी आई डोंट नो आपको कैसी बुक्स पसंद है मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ वो मोस्टली सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं आजकल मेरी नज़दीकी लाइब्रेरी से मैं एस्ट्रोलॉजी की किताबें ले रही हूँ पर वो जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं वो गोरो ने लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी हमारे हिंदुस्तान का बहुत पुराना टूल है पुरानी हिंदी वाली किताबें पढ़ना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजी so, की किताबों की लिस्ट में कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दू क्योंकि बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं इंडिया के जिन्होंने बिगिनर्स के लिए किताबें लिखी हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आज की जिंदगी के लिए आसान हो चुका है क्योंकि फिर आप यू नो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं पहले جسکو بخال اچه مات ساده دا و وحی... कैलकुलेट करके ग्रहों की पोजीशंस के हिसाब से कुंडली तैयार की जाती थी पर आजकल आप वो काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं पर अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी किताबें हैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ okay, अगला किसी ने कहा है कि अपने आप को बिजी कैसे रखा जाए आ, अपने आप को बिजी रखने के लिए बिजी मत रखें ऐसा कुछ करें जो करने में आपको मजा आता है कुछ हॉबीज क्रिएट करें यू नो बहुत सारे लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों के साथ पार्टीज करते हैं या फिर हर वीकेंड कुछ प्लान करते हैं ऐसा कुछ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो पर उससे क्या है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपका इनर सेल्फ क्या है आपको थोड़ा सा अपने साथ भी समय स्पेंड करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको असली खुशी किस चीज से मिलती है देन उसको आप इनहेंस कर सकते हैं तो so, या yeah, कुछ हॉबीज चूज करें उससे अपने आप को बिजी रखें स्परिचुअलिटी uh, को ज्वाइन करें थोड़ा मेडिटेट किया करें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका दिन चलना चढ़ेगा और कैसे खत्म हो जाएगा इतना ज्यादा हैप्पी एंड इंटेंट फील करेंगे आप किसी ने कहा कि हिम्मत की उम्र क्या है हिम्मत नाइन ईयर्स ओल्ड है अन हिम्मत दस होने वाला है जून में किसी ने कहा कि आपने स्टिचिंग कहाँ से सीखी मैंने स्टिचिंग नहीं सीखी है मेरी मम्मी स्टिच करती थी तो मैंने उनको देख देख के सीख लिया ऐसे मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है ऐसे बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं देख देख के चीजें सीख लेती हूँ कल परसों ना मैंने कड़ी बनाई थी हस्बैंड हस्बेंड कह रहे हैं इनकी स्वाद कड़ी तो कहां से सीखी मैंने कहा कि मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है मैं बस एक्सपर्ट हूँ वो कह रहे तू तो अभी करती रहती है पर ऐसे कला है मुझ में कि मैं देख देख के चीजें सीख लेती हूँ अभी पहले मेरा प्लान था कि मैं सीख लूँ पर फिर मैंने लगा कि नहीं नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है पर फिर मैंने आ गया अपने आप ही आई नो no, ऐसे पर, कोई मैंने ना परफेक्ट क्लासेस नहीं ली है देख देख के सीख लिया क्योंकि मैं ना जब मेरी मम्मी कुछ भी करती थी मैं हमेशा पास में बैठी रहती थी देखने के लिए वो क्या क्या कर रही है हमेशा जब वो कुक करती थी तब मैं शेल्फ पे बैठ के देखती थी जब वो कुछ भी कटिंग करती थी, थी तब तो भी मैं देखती थी एंड जब वो कुछ सिल रही थी तब भी मैं देखती थी पास पास बैठ के उनके साथ पंगे लेती रहती थी एंड यस uh, yes, वैसे ही मुझे आ गया किसी कहा कि आप अपने बालों की केयर के लिए क्या करते हैं बालों की केयर के लिए मैं मेरे बालों को बहुत ज्यादा वॉश नहीं करती हूँ वैसे आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं सम मेर हेयर दर्द मैं ऑयल भी लगा लेती हूँ एंड ऑल्सो वंस एन वायल डीप कंडीशन कर लेती हूँ ऐसे कुछ खास केयर नहीं करती हूँ मैं करना चाहती हूँ पर इनकी ज्यादा मैं ना रजट नहीं हूँ किसी रूटीन के साथ की मैं हमेशा वैसा ही करूँ किसने कहा कि आप अपना घर एंड काम कैसे चीजें थोड़ा प्लान करके करती हूँ हस्बैंड एंड हिम्मत की भी हेल्प ले लेती हूँ सो so, आप अगर किसी भी तरह की मेडिटेशन करें आप बहुत ज्यादा चार्ज फील करेंगे एंड आप सारी चीजें बहुत ही खुशी खुशी से कर पाएंगे सो so, आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से करें सो so, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं कि हिम्मत को सिबलिंग कब मिलेगी आई डोंट नो कब मिलेगी जब रब चाहेगा तब मिलेगी इट्स नॉट इन माई हैंड्स बहुत सारे लोग मेरी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी हेल्थ ठीक है लाइक अंडर कंट्रोल है मैं मेडिकेशन पे हूँ एंड रिसेंटली मुझे रोमोटोलॉजिस्ट भी मिल गया है एंड ट्वेंथ uh, को ट्वेंट फेब्री को मेरी अपॉइंटमेंट है लेट्स लेट्सी वो कैसी जाती है तो वो सारा यू नो अगेन से स्क्रीनिंग होगी रिसेंटली मैंने टेस्ट करवाए थे मेरे ब्लड के एंड उसमें अगेन से मेरा ए पॉजिटिव आया बट

बनाऊंगी पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेट होकर आपकी सेहत में हेल्प करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कैसा सोचते हैं कैसा फील करते हैं कितना स्ट्रेस है और uh, खाते क्या हैं एंड यू नो मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है एंड स्परिचुअलिटी एंड मैनीफेस्ट क्या चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो सारा कुछ हेल्प करता है मुझे हैप्पी रहने में यस yes, मैं बहुत बार यू नो पेन में आ जाती हूँ पर सुख है पर या जैसी भी मेरी सेहत है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या पहले जैसी मेरे में एनर्जी नहीं रहती है अब सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं थक जाती हूँ पर या आई एम हैप्पी वेयर एवर आई एम आई होप कि इससे भी बेहतर चीजें हो जाएंगी पर जहाँ पे भी हूं हम ओके हाथ पैर मेरे ठीक हैं सो so, हिम्मत की जिंदगी में क्या चल रहा है सो so, हिम्मत की जिंदगी काफी ज्यादा फन चल रही है uh, उसके उतने फ्रेंड्स टोरटो में नहीं थे जितने यहाँ पे बन गए हैं तो वो कभी किसी के साथ बात करता है कभी कुछ करता है कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके जिंदगी में चलती रहती है अभी मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो या फिर उसके ओल्ड समर uh, वाले डेज वापस आने वाले हैं एंड कैलगरी के बारे में uh, बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मौसम विंटर्स uh, uh, काफी ज्यादा अच्छे गए बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ी या yeah, एक दो हफ्ते में काफी ज्यादा ठंड हो गई थी पर बुरा स्नोफॉल नहीं हुआ है सो फार आई होप कि अगे भी ना हो मुझे अच्छी नहीं लगती है स्नो या yeah, थोड़ी देर देखने में फन होता है पर फिर uh, सड़कों में चिकड़ चिकड़ हो जाता है तो फिर बिल्कुल फन नहीं होता पर फार आई एम लविंग कैलगरी अच्छा है बहुत ही ज्यादा पीसफुल क्वाइट आई लाइक इट एक्चुअली रौनक मिलने वाली भी जगह है यहाँ पे पर हम जहाँ पे रहते हैं वो थोड़ा अच्छा पीसफुल है क्योंकि मुझे और हस्बैंड को दोनों को पीस काफी ज्यादा पसंद आने लगा है आईया पहले मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा रोले रपे वाले एंड बहुत ज्यादा आउट गोइंग थे पर मेरे साथ रह रहे है कि वो ऐसे हो गए नहीं एक्चुअली <laughs> जब से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन किया है तब से वो भी काफ़ी ज्यादा खुश रहते हैं दादी भी उन्होंने जिंदगी है जैसे भी सर्कमस्टांस है क्योंकि बाहर के सर्कमस्टांस आपके अंदर को चेंज नहीं कर सकते हैं राइट जब वो अंदर को चेंज कर है तो वो हमारी वीकनेस होती है सो बाहर कैसा है डि इफेक्ट आई रोन रोम बात कहाँ से शुरू होती है तो कहाँ पे आ जाती है सो so, यस yes, यही चल रहा है मेरी जिंदगी में वेरी नाइस हैप्पी पीसफुल मौसम भी अच्छा है हिम्मत भी अच्छा है हस्बैंड भी अच्छे हैं एंड यस uh, yes, मेरी क्रिएटिविटी वापस आ रही है अब um, मैं सोच रही थी बहुत सारे मेरे पास प्लान्स हैं कि मैं ये करू वो करूँ यू नो कई बार मेरे पास इतने ज्यादा प्लान्स होते हैं तो फिर मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है ओवरवेलम हो जाती हूँ so uh, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं कोई अच्छा लगा होगा अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है मेरे लिए अगर आप मुझसे कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बार में छोड़ें हम उस उसपे काम करेंगे एंड जो मेरे प्लान्स हैं हम उस उसपे भी काम करेंगे थैंक यू सो वेरी मच अगर आप मेरे चैनल रूपए पहली बार आए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ मेरे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे सारे ही लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं जल्दी मिलती हूँ आपको आई लव यू गाइस सो वेरी मच बाय बाय